जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद आज पूरा देश जश्न मना रहा है। पूरे देश को अपने प्रधानमंत्री पे नाज है। आज 14 तारीख को जो आतंकवादी घटना हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीआरपीएफ के 40 जवानों को गवाया था, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश में जो गुस्सा है, जो रोष है, उनको वो समझ रहे हैं। और उन्होंने ऐलान किया था, ना हम भूलेंगे ना हम माफ़ करेंगे। और आज उन्होंने ये साबित कर दिया है, ना हम भूले हैं ना हम माफ़ किए हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये ट्रेलर दिखाया है। पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। अगर आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान हिंदुस्तान में जारी रखेगा तो वो समय दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से पूरा हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान की बयानबाजी और पाकिस्तान की गतिविधियों की हिंदुस्तान की जो सल्तनत है वो उसकी कोई फिक्र नहीं करती है। हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली देश है और पाकिस्तान को हम सिर्फ मौका देते आ रहे हैं इतने सालों से कि शायद पाकिस्तान सुधर जाएगा। अगर पाकिस्तान सुधरने तैयार नहीं है तो उसको कैसे सुधारा जाएगा? एक बिगड़ेल बच्चे को कैसे ठीक किया जाता है? ये हिंदुस्तान को अच्छे से मालूम है। और अभी भारत सरकार हिंदुस्तान और पूरे हवा 8 साल का बच्चे से लेकर 80 साल का बुढ़े भी नरेंद्र मोदी से प्रेरणा है, देश के प्रति उनको प्यार है।